हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.7 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, इनके सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें मैट्रिक्स ए दिया है, दो सब क्वेश्चंस है यहाँ पे, और ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूव करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी हम a प्लस ए ट्रांसपोज लेते हैं वो हमें हमेशा सिमेट्रिक ही मिलेगा, और a माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वहाँ पे हमें दिए हुए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है। तो वहाँ पे हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे, a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक और a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए पहले हम a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज लेना है मतलब क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। ओके, ये है a ट्रांसपोज। अब देखिए, हम a प्लस ए ट्रांसपोज अगर फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिए, a इज 1, 2, 4, 3, 2, 1, माइनस 2, माइनस 3, 2, बहुत ही सिंपल है। प्लस a ट्रांसपोज लेना है, a ट्रांसपोज इज 1, 3, माइनस 2, 2, 2, माइनस 3 एंड 4, 1, 2, इन दोनों का लेना है हमें सम, ठीक है ना। देयर फोर देखिए, a प्लस a ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा, बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस 1 ये 2 रहेगा, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 2, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस माइनस 3 मतलब 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज -2, -2 प्लस 4 +2, -3 प्लस 1 -2, 2 प्लस 2 4। यहाँ पे देखिए, एलिमेंट जो है ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई है, ए आई जे इक्वल्स टू क्या है, ए जे आई, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफोर a प्लस a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे ए आई जे इक्वल्स टू हमें ए जे आई मिला है, इसका मतलब देखिए 5, 5 सेम है, 2, 2 यहाँ पे -2, a12, a21 सेम है, a13, a31 सेम है, a23, a32 सेम है, इसलिए इसे हम सिमेट्रिक कहेंगे। अगर हम a माइनस a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स a और a ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए इज 1, 2, 4, मैट्रिक्स ए इज 1, 2, 4, 3, 2, 1, -2, -3, 2, माइनस ए ट्रांसपोज 1, 3, -2, 2, 2, -3, 4, 1, 2। ओके, इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन लेना है। देयरफोर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज 1, -1, 0, 2, -3, -1, 4, -2, 4, +2, 6, ठीक है। फिर 3, -2, 1, 2, -2, 0, 1, -3, 1, +3, 4, -2, -4, -6, -3, -1, -4, 2, -2, 0। देखिए, यहाँ पे ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई है, a12 और a21 अपोजिट है साइन में, a13 और a31 अपोजिट है साइन में, a23 और a32 अपोजिट है साइन में, और सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो है। देयरफोर a माइनस a ट्रांसपोज ये क्या रहेगा, a माइनस a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस a ट्रांसपोज यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड सॉल्व करना है, सेकंड में भी पहले हम a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। देखिए, a ट्रांसपोज फर्स्ट कॉलम 5, 2, -4, सेकंड कॉलम 3, -7, 2, थर्ड कॉलम 4, -5, -3, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं a प्लस a ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए इज 5, 2, -4, 3, -7, 2, 4, -5, -3, प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज 5, 3, 4, 2, -7, -5,
माइनस फोर टू माइनस थ्री. नाउ देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, फाइव प्लस फाइव टेन, टू प्लस थ्री फाइव, माइनस फोर प्लस फोर ज़ीरो, थ्री प्लस टू फाइव, माइनस सेवन माइनस सेवन, माइनस सेवन माइनस सेवन, माइनस फोर्टीन. ओके, टू प्लस माइनस फाइव मतलब टू माइनस फाइव माइनस थ्री, फिर फोर प्लस माइनस फोर ज़ीरो, माइनस फाइव प्लस टू माइनस थ्री. ओके, माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री माइनस सिक्स. ठीक है, अब देखिए यहां पे ए प्लस ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स में हमें ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई मिला है. ए वन टू ए टू वन सेम है, ए वन थ्री ए टू थ्री ए थ्री टू सेम है, ए वन थ्री ए थ्री वन सेम है. देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब हम फाइंड करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज. नो मैट्रिक्स ए इज फाइव टू माइनस फोर, थ्री माइनस सेवन टू, फोर माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस. अब यहाँ पे फाइव थ्री फोर, टू माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस फोर टू माइनस थ्री, इन दोनों का हमें लेना है सब्स्ट्रैक्शन. देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू फाइव माइनस फाइव ज़ीरो, ठीक है, टू माइनस थ्री माइनस वन, माइनस फोर माइनस फोर ज़ीरो, सॉरी माइनस फोर माइनस फोर माइनस एट, माइनस एट रहेगा, थ्री माइनस टू वन, माइनस सेवन माइनस माइनस सेवन, माइनस सेवन प्लस सेवन ज़ीरो, टू माइनस माइनस फाइव, टू प्लस फाइव सेवन. ओके, फोर माइनस माइनस फोर मतलब फोर प्लस फोर एट, माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन, माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो. ठीक है, देखिए देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई. देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें कौन सा मैट्रिक्स मिला है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, और यही हमें प्रूव करना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना था, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना था. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, वहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिया है और उस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है. तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज लेते हैं, वो बेसिकली सिमेट्रिक है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज लेते हैं, वो स्क्यू सिमेट्रिक है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मैट्रिक्स दिया है और उस मैट्रिक्स को हमें एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है. देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है, हमें पता है अगर ए इक्वल्स टू हम हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखते हैं तो ये रहेगा सिमेट्रिक, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर लेते हैं, हमें पता है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक रहेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा. हमने क्वेश्चन नंबर 11 में जस्ट प्रूव किया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. और अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मैट्रिक्स ए ही मिलेगा. देखिए हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है. तो हमने सिंपली क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज लेना है और ए माइनस ए ट्रांसपोज लेना है. ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है यहाँ पे, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या रहेगा, सिमेट्रिक. ठीक है, और यहाँ का ए माइनस ए ट्रांसपोज ये रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है ना, ओके, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए, ए इक्वल्स टू, पहले हम अब ए ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं. ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमें, ए ट्रांसपोज फोर माइनस टू थ्री माइनस फाइव. ठीक है,
अब ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है, चलिए हम डायरेक्टली अब यहाँ पे फाइंड करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज, व्हाट इज मैट्रिक्स ए, 4 माइनस 2 3 माइनस 5 प्लस ए ट्रांसपोज इज 4 3 माइनस 2 माइनस 5। नाउ देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 4 प्लस 4 8, माइनस 2 प्लस 3 1, 3 प्लस माइनस 2 1, माइनस 5 प्लस माइनस 5 मतलब माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10। देखिए यहाँ के दोनों भी एलिमेंट सेम हैं तो ये इट इज सिमेट्रिक। ये किस प्रकार का रहेगा, सिमेट्रिक टाइप का। ओके अब इसी प्रकार से हम ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिए ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब 4 माइनस 2 3 माइनस 5 माइनस ए ट्रांसपोज इज 4 3 माइनस 2 माइनस 5। देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज इज 4 माइनस 4 0, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 3 माइनस माइनस 2 3 प्लस 2 5, माइनस 5 माइनस माइनस 5 माइनस 5 प्लस 5 0। देखिए इस ये किस प्रकार का मिला है हमें, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक टाइप का है, ठीक है, ये सिमेट्रिक टाइप का है, ये स्क्यू सिमेट्रिक टाइप का है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, फर्स्ट में, ठीक है ना। पुट ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इन फर्स्ट, तो देखिए फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज क्या है, 8 1 1 माइनस 10 प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इट विल बी 0 माइनस 5 5 0। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मैट्रिक्स ए ही मिलेगा, लेकिन हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखा है, और यही यहाँ पे हमें करना था। देखिए क्या करना था, दिए हुए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना था एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके अब यहाँ पे भी हम ले सकते हैं ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। व्हाट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज हियर, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ओके और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके नाउ लुक हियर, अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए पहले ए ट्रांसपोज लेते हैं। व्हाट इज ए ट्रांसपोज, 3 3 माइनस 1 को कॉलम में लिखना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे हम, ठीक है। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 प्लस क्या लेना है हमें, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6 3 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। ओके माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 4 प्लस माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 2 प्लस 2 इट विल बी 4। देखिए ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है, इट इज सिमेट्रिक। ये क्या रहेगा, सिमेट्रिक। ओके इसी प्रकार से हम ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए इज 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 माइनस ए ट्रांसपोज लेना है हमें।
ओके, ए ट्रांसपोज देखिए क्या है, 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5 - 1 - 2, इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन लेना है। देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 3 - 3 - 0, 3 - -2 - 3 + 2 - 5, -1 - -4, -1 + 4 - 3, -2 - 3, यहाँ -2 - 3 - 5 मिलेगा, ओके, -2 - -2 मतलब -2 + 2 - 0, 1 - -5, 1 + 5 - 6, फिर -4 - -1, -4 - -1, तो ये रहेगा -4 + 1 - 3, -5 - 1 - 6, 2 - 2 - 0। देखिए इसके सभी डायगोनल एलिमेंट 0 है, और a12 अपोजिट है -a21, a13 अपोजिट है -a31, a13 और a31 अपोजिट है, a12 और a21 अपोजिट है, a23 और a32 साइन में अपोजिट है, तो ये रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये किस टाइप का है, स्क्यू सिमेट्रिक टाइप का है, ओके। पुट इन, पुट ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इन फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट कहते हैं, चलेगा। अगर यहाँ पे हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया, देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज है हमारे पास, देखिए क्या है, 6 - 1 - 5, 1 - 4 - 4, -5 - 4, 4, ओके, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज 0 - 5 - 3, -5 - 0 - 6, -3 - 6 - 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए हमें दिया था, इस मैट्रिक्स ए को हमने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इस प्रकार से इसे एक्सप्रेस किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने देखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक रहता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक रहता है, वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। दिए हुए मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, मतलब जब भी हमें मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है तो हम यूज़ करेंगे ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया है और वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। एक्चुअली ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में ये सब बातें वहाँ पर देखी है, ठीक है। चलिए हम ए बी, पहले ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दिया है तो ए ट्रांसपोज देखिए क्या रहेगा, ए ट्रांसपोज इज 2 - 1 - 3 - 2 - 4 - 1, ओके, और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू रहेगा 0 - 3 - 4 - 2 - 1 - 1, ओके। अब हम ए बी ट्रांसपोज, पहले LHS लेते हैं ए बी ट्रांसपोज, ओके, ए बी ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है, 2 - 1 - 3 - 2 - 4 - 1, इससे मल्टीप्लाई करना है 0 - 3 - 4 - 2 - 1 - 1, ठीक है इसे, और उसका हमें ट्रांसपोज लेना है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, आप फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 4 - 0, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 1, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 2 - 4 - 8 - 1 - 1, ओके। देखिए 2 - 0 हमने क्या किया, देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को अगर मल्टीप्लाई किया 2 - 0 यहाँ पे 0 रहेगा, 2 - 0 - 0, -1 - 2 - 2,
फिर फर्स्ट रो से अगर हम सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 = 6, -1 × -1 + 1, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई किया 2 × -4 - 8, -1 × 1 - 1, ओके। अब इसी प्रकार से सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है 3 × 0 = 0, -2 × 2 - 4, 3 × 3 = 9, -2 × -1 + 2, 3 × -4 - 12, -2 × 1 - 2, ठीक है ना। अब हम थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 + 2 मिलेगा, 4 × 0 = 0, 1 × 2 = 2। अब हम थर्ड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 - 1 मिलेगा। अब अगर हम थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो -16 + 1 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज अभी हमने नहीं लिया है, ठीक है। LHS = 2, देखिए क्या मिलेगा फिर, 0 - 2 - 2, 6 + 1 = 7, -8 - 1 - 9, 0 - 4 - 4, 9 + 2 = 11, -12 - 2 - 14, 0 + 2 = 2, 12 - 1 = 11, ओके, -16 + 1 - 15। और यहाँ पे इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, देखिए इसका ट्रांसपोज मिलेगा -2 = 7 - 9, -4 = 11, -14 = 2 = 11 - 15, ओके। इसे कहते हैं हम फर्स्ट, चलेगा। अब इसी प्रकार से हम RHS लेते हैं और RHS में हमें B transpose × A transpose ये फाइंड करना है। हमारे पास B transpose है, देखिए 0, 2, 3 - 1 - 4, 1 into A transpose is 2, 3, 4 -1 - 2, 1, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है RHS = 2, ध्यान दीजिए। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को अगर मल्टीप्लाई किया 0 × 2 = 0, 2 × -1 - 2, 0 × 3 = 0, 2 × -2 - 4, ठीक है। फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है 0 × 4 = 0, 2 × 1 = 2, 0 + 2। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 6 + 1, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 9 + 2, 3 × 3 = 9, -1 × -2 + 2। अब सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो 12 - 1। अब हम थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं -8 - 1, ओके। फिर हम यहाँ पे थर्ड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं -12 - 2, फिर हम थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये मिलेगा -16 + 1। नाउ देयरफॉर लुक हियर, RHS हमें क्या मिलेगा, अब नाउ दिस इज इक्वल्स टू -2 - 4 + 2, 7 - 11 - 11, फिर यहाँ पे -9 - 14 - 15, एंड कॉल दिस सेकंड। देखिए LHS जो हमें फर्स्ट में मिला है -2 - 4 = 2, -2 - 4 = 2, 7 - 11 = 11, 7 - 11 = 11, -9 - 14 - 15, -9 - 14 - 15। Therefore, from first and second, हम क्या कह सकते हैं, LHS = RHS, ओके। अब इसी प्रकार से सेकंड प्रूव करना है हमें, सेकंड में LHS है BA ट्रांसपोज, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, पहले मैट्रिक्स B लेना है हमें, मैट्रिक्स B इज 0, 3 - 4, 2 - 1, 1 into, अब मैट्रिक्स A लेना है 2 - 1, 3 - 2, 4, 1, ओके। इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका हमें लेना है ट्रांसपोज, बहुत ही सिंपल है। देखिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 0, 3 - 4 से 2, 3, 4 को अगर मल्टीप्लाई करना है, 0 × 2 = 0, 3 × 3 = 9, -4 × + 4 - 16, 0 + 9 - 16। अब हम फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0, फिर -6 और -4,
जीरो इंटू माइनस वन जीरो, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर। ठीक है, अब हमें सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू टू फोर, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, वन इंटू फोर फोर। क्या किया हमने, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को, अब हमें सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू, वन इंटू वन वन, और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, लुक हियर क्या मिलेगा, अब हमें एल एच एस इक्वल्स टू जीरो प्लस नाइन माइनस सिक्सटीन, ये माइनस सेवन होगा, नाइन माइनस सिक्सटीन माइनस सेवन, जीरो माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टेन मिलेगा, फोर प्लस फोर एट माइनस थ्री फाइव, माइनस टू प्लस टू कैंसल वन, इसका ट्रांसपोज नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस सेवन माइनस टेन फाइव वन, और इसे कहते हैं हम फर्स्ट, ये मिला है हमें एल एच एस। नाउ अब हम कंसिडर करेंगे आर एच एस, आर एच एस इज, देखिए आर एच एस क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, व्हाट इज मैट्रिक्स ए, नाउ देखिए मैट्रिक्स ए मतलब हमें ए ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए लेते हैं, मैट्रिक्स ए हमारे पास, और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हमारे पास है ऑलरेडी, चलिए बी ट्रांसपोज लिखते हैं, बी ट्रांसपोज इज जीरो टू थ्री माइनस वन फोर वन, फिर इंटू ए ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज इज टू थ्री फोर, फिर माइनस वन माइनस टू वन। ठीक है, हमने क्या किया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिया है। ठीक है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज पहले लिखना है हमें, सॉरी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज ऐसे लेना है, हमारे पास ए ट्रांसपोज है, देखिए ए ट्रांसपोज क्या है, टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू वन, और फिर यहाँ पे बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इज जीरो टू थ्री माइनस वन माइनस फोर वन। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा देखते हैं, आर एच एस क्या करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू थ्री नाइन, फोर इंटू माइनस फोर माइनस सिक्सटीन, सेम मिला है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, फोर इंटू वन फोर। ओके, फिर देखिए अब हमें सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन इंटू जीरो जीरो, माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, वन इंटू माइनस फोर माइनस फोर। ओके, फिर इसके बाद सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, वन इंटू वन वन। नाउ देयरफॉर आर एच एस इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा माइनस सेवन, यहाँ पे फाइव, यहाँ माइनस टेन, और यहाँ रहेगा वन। ओके, इसे कहते हैं हम सेकंड। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, बी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। ठीक है ना, देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है। बी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज ये भी ट्रू रहेगा, बिकॉज इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.7 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें मैट्रिक्स ए दिया है और शो करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आई, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है। देखिए फिर यहाँ पे हम पहले ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए लेते हैं, मैट्रिक्स ए हमारे पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, देयरफॉर ए ट्रांसपोज क्या रहेगा, ए ट्रांसपोज इज
कॉस अल्फा साइन अल्फा, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा है, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखते हैं, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके चलो LHS लेते हैं, ए ट्रांसपोज इनटू ए, ए ट्रांसपोज इनटू ए, व्हाट इज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा इनटू मैट्रिक्स ए लेना है। देखिए मैट्रिक्स ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके नाउ देयरफॉर ये LHS है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसको लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसे अगर इसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके अब हम सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके हमने सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, ठीक है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ये जीरो रहेगा। ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू वन बाय फर्स्ट फंडामेंटल एंटिटी, तो ये वन रहेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल होगा जीरो मिलेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल होगा जीरो मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू वन, क्योंकि ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है, तो ये रहेगा हमारे पास वन जीरो जीरो वन। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS एंड देयरफॉर A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल्स टू I, A ट्रांसपोज और A इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4.7 का लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.7 हमारा कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 4.7। अब ये मिसलिनियस अगर छोड़ते हैं हम तो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है 4.7, इसके बाद रहेगा मिसलिनियस। ठीक है देखिए स्टूडेंट, हमने अभी तक मैथमेटिक्स पार्ट वन का चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर फोर, ये चारों चैप्टर हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। अगर आपने उन चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को या इस चैप्टर के किसी वीडियो लेक्चर को आपने मिस किया होगा, देखा नहीं होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पूरे वीडियो लेक्चर का, पहले तीन चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है और इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी किसी भी वीडियो लेक्चर को मिस मत कीजिए, ठीक है। और वीडियो देखे बाद अगर आपको कुछ दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप चाहे तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर मुझे आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, नंबर भी मैंने दिया है, लेकिन वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका जो भी सजेशन है प्लीज़ वहाँ पे लिख के मुझे भेजिए। वीडियो आपको कैसा लगता है वीडियो देखे बाद ये भी आप कमेंट कीजिए, अगर वीडियो के लिए कुछ सजेशंस है वो भी कमेंट कीजिए, आपके कुछ डाउट है, कुछ आपकी समस्या है, कुछ दिक्कत है आपको, तो प्लीज़ उसे भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियो लेक्चर को पहुंचाना है, क्योंकि हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी एक ड्यूटी बनता है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स को कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपके जो भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।